इमाम ने फरमाया कि अल्लाह जो है उस आलिम बेअमल पर 70 सजाएं देगा जो अपने इल्म पर अमल न करे। आलिम बेअमल का मतलब ये है कि हम जो जानते हैं और उस पर अमल न करें। बख्श अदा पर आने के बाद, अदादारी मखदूम करबला करने के बाद, ग़म हुसैन मनाने के बाद हमें बहुत कुछ मालूम होता है, इल्म तो बहुत हासिल होता है, जानते तो बहुत हैं। अगर उन चीज़ों पर अमल न किया जाए तो अल्लाह 70 सदाएँ देगा, उनमें से एक सदा ये होगी कि उसके दिल से जो है ज़िक्र खुदा की लज्जत को हटा देगा। यही वजह है बाद बंदे हैं जो नमाज में तो आते हैं लेकिन नमाज में उन्हें लज्जत नहीं महसूस होती। बात वो है कि हम इमाम की मोहब्बत से तो सरशार हैं लेकिन ये मोहब्बत का मज़ा जो है, मोहब्बत की लज्जत जो है उसे महसूस नहीं कर पा रहे। ये लज्जत जो है, ये मिठास, ये चाशनी, ये जायका उस वक़्त मिलने वाला है जब जो हम जानते हैं उसको नाफिज कर लें, जो हमें मालूम है उसको हम अपनी ज़िंदगी में उतार लें तो हमें लज्जत मिलने वाली है। और जिसे मोहब्बत हुसैन का जायका मिल जाए, मोहब्बत अली का जिसे लुत्फ समझ में आने लगे तो वो दार पर भी चढ़ के फ़ज़ाइल पढ़ता है। क्यों? इन्हें जायका उल्फते मोहब्बत मालूम है, इन्हें इसका मज़ा लग चुका है, ये इसकी मिठास जानते हैं, ये इसकी चाशनी जानते हैं। ये हमारी तरह नहीं है कि हमें जायका ही नहीं पता है, हमें इल्म तो है, हमने अमल ही नहीं किया। जब अमल नहीं करेंगे तो अल्लाह ये जायका छीन लेगा, ये जायका उतरने ही नहीं देगा, ये जायका महसूस ही नहीं होने देगा। तो जिसे जायका समझ में आ जाए वो सारी रुकावटों को दूर करके जो है उस जायके की तलाश में रहता है। इब्राहिम को मोहब्बत खुदा का जायका है, सारे इम्तहान से गुजरे हैं। अगर इस जायके को हासिल करने के लिए, इस लुत्फ इलाही को हासिल करने के लिए, इस कुर्ब इलाही को हासिल करने के लिए अगर अल्लाह ये चाहे कि अपने बेटे को हमारी राह में ज़बह कर दो तो इब्राहिम तैयार हैं। इसलिए कि इन्हें कुर्बत खुदा चाहिए, इन्हें रज़ाए खुदा चाहिए, इन्हें मोहब्बत खुदा चाहिए, वो ज़बह करने के लिए तैयार हैं। चुनांचे अपने बेटे को लेके गए मिना के मैदान, आँखों पे पट्टी बांधी, हाथ में छुरी लिया, बेटे को मिना के मैदान में लिटाया। जिस इम्तिहान के लिए चले थे रुकावटें आई लेकिन हर रुकावटों का सामना उन्होंने किया। क्यों? इन्हें लज्जत मालूम है, मिठास मालूम है, जायका मालूम है, मोहब्बत में ये आगे बढ़ना चाहते हैं। इब्राहिम और इस्माइल का वाकया ये बतलाता है कि इंसान के दिल में अगर मोहब्बत आ जाए तो मोहब्बत में आगे बढ़ जाना कमाल है, पीछे रह जाना कमाल नहीं है, वहीं पे ठहर जाना कमाल नहीं है, मोहब्बत में आगे बढ़ो। और उन्होंने जो है आगे बढ़े और सारी रुकावटों का सामना किया, लिटाया। अल्लाह जहाँ तक इम्तिहान लेना चाहता था इब्राहिम वहाँ तक पहुँच गए। अल्लाह किसी का कुछ लेता नहीं है। अगर अल्लाह को जान लेना होती तो इब्राहिम के हाथों से जो छुरी चली है तो इस्माइल ज़बह हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, छुरी चली, इब्राहिम किनारे खड़े हैं, अल्लाह ने दुम्बा भेज दिया। अब जो इब्राहिम ने आग से पट्टी हटाई तो देखा इस्माइल इधर खड़े हुए हैं, दुम्बा ज़बह हो गया। परवरदिगार ये क्या हुआ? कहा हमने तुम्हें इम्तिहान में कामयाब पाया,
जब हमने तुम्हें इम्तिहान में कामयाब पाया है तो अब हम तुम्हारे दर्जात बुलंद कर रहे हैं। ऐ इब्राहिम, हमने जो इम्तिहान लेना चाहा था उसमें आप कामयाब हो गए। हम देखना चाहते थे कि हमारी मोहब्बत में कहाँ तक आ सकते हो। जहाँ तक हम बुलाना चाहते थे वहाँ तक तुम मोहब्बत में आ गए, इम्तिहान में कामयाब हो गए। जब इम्तिहान में कामयाब हो गए तो अब तुम्हें लोगों का इमाम बनाते हैं। पता चला अगर लोगों का इमाम बनाना हो तो उन्हें इम्तिहान देना होता है। अगर जो है इमाम बनाना हो, 14 मासूमीन बनाना हो, परहेजगारों का इमाम बनाना हो तो कितने इम्तिहान देने पड़ते हैं। अहले बैत अतहार ने बेशुमार इम्तिहान दिए हैं, बेशुमार कुर्बानियां दी। रसूल अल्लाह उनका किरदार हमारे लिए नमूने बन गया। बाद दफा कुछ वाकयात पढ़े जाते हैं तो हम सोचते हैं ये नहीं पढ़ना चाहिए था, इसमें तो रसूल अल्लाह की शान नहीं है। जबकि अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम पाक व पाकीज़ा है, मासूम है, आदी है, रहबर है, इनके हर हर अमल से जो है हिदायत मिलेगी। ये और बात है कि हमारा दिल कबूल न करे, हमारा ज़हन न कबूल करे, ये हमारी कमी है, हमारी कोताही है, लेकिन उनके हर अमल से जो है हिदायत मिलती है। रसूल अल्लाह ने एक यहूदी से कर्जा लिया, कर्जा कर्जा देना कितना सवाब है, सदका देना 10 नेकी का सवाब रखता है। किसी को कर्जा दिया जाए तो 18 नेकी है, यानी सदका देने से ज्यादा सवाब, खैरात बांटने से ज्यादा सवाब। किसी बंदे मोमिन को आप जो है कर्ज दीजिए वो ज्यादा सवाब। आपके सामने बेशुमार वाकया थे, मौला अली कर्जा लेते थे, रसूल अल्लाह यहूदी से कर्जा लेते हैं। अब जब तारीख आई तो यहूदी आ पहुंचा, क्या आपने कर्जा लिया था, तारीख आ गई है, आज के जबान में बोलते पठान आ गया। वो पहुंचा, आज की तारीख है, आपने कर्जा लिया था, अब हमें कर्जा दीजिए। वही गरीबों वाला सवाल कर, अभी तो हमारे पास है ही नहीं। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अभी हमारे पास है ही नहीं, वादा तो था, देना तो है, वायदा तो हुआ था, बातचीत तो हुई थी, लेकिन अभी हमारे पास पैसा नहीं है, हम कर्जा नहीं दे सकते। उसने कहा अगर आज आप कर्जा नहीं दे सकते तो आज आपको हमारे साथ बैठना पड़ेगा, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। रसूल अल्लाह ने फरमाया बैठने के लिए तैयार है, जहाँ कहो तुम्हारे साथ बैठेंगे, लेकिन अभी हमारे पास पैसा नहीं है। तो उसने रसूल अल्लाह को अपने साथ अपने घर में बिठाया। अब वहां रसूल साथ में हैं, रसूल अल्लाह ने नमाज दोहर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब इशा सुबह है उसके यहां, लेकिन काम तो अपना करना है। रसूल ये बतला रहे हैं कि इबादत कहीं भी छूटे नहीं, जहां रहो इबादत से गाफिल ना होना। नमाज रसूलल्लाह उसके यहाँ बैठे हुए हैं, वो बिठाए हुए हैं कि आज की तारीख थी, आपने कर्जा नहीं दिया, आपको हमारे साथ बैठना होगा। ये बंदे मोमिन पे गिरा गुजरेगा सुनते हुए कि उसने इतनी गुस्ताखी कर दी, लेकिन ये मासूम का किरदार है, हर हर किरदार हिदायत देगा। वहां पर रसूल अल्लाह ने नमाज पढ़ी, वक्त पे पढ़ी, ये नमाज जाया ना हो। हदीस रसूल है कि जो
नमाज को जाया करता है उसका हश्र जो है कारून और हामान के साथ होगा। कारून दुश्मन रसूल है, जनाब मूसा का कजिन है। मूसा ने अपना काम जब शुरू किया नबूवत और रिसालत का, तो कारून से कहा कि तुम बहुत मालदार हो, तुम्हारे यहाँ ज़कात बनती है। तो उसने एक मरतबा ज़कात के जो निसाब थे उस हिसाब से ज़कात निकाली, और जब ज़कात निकाली तो माल जो थे वो एक टीला बन गया। तो एक मरतबा अपने माल को देखा और एक मरतबा सोचा कि इतना माल अगर हम ज़कात के तौर पे निकालेंगे तब तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो अपने एतबार से फ़ायदा समझ रहा है और इस्लाम अपने हिसाब से फ़ायदा समझता है। हमें अपना फ़ायदा नज़र आता है, इस्लाम के रुख से जो फ़ायदा है उसे नज़र अंदाज कर देते हैं। उसने देखा कि अगर हमने ज़कात निकाली तो इतना माल हमारा चला जाएगा, ये मूसा के हवाले हो जाएगा, मूसा ऐश करेंगे, आराम करेंगे, न जाने क्या करेंगे। उसने सोचा कि इतना माल देने से बेहतर है कि कुछ हल्का फुल्का माल जो है देकर किसी बदकार औरत को तैयार करा लिया जाए और उससे काम निकाल लिया जाए। चुनांचे उसने कुछ पैसा एक बदकार औरत को दिया कि हम तुम्हें देते हैं, एक काम करना है। वो काम ये है कि जब कहीं मूसा तबलीग कर रहे हो, मजमे में वाज़ो नसीहत कर रहे हो, तो वहाँ पहुँच जाना और वहाँ तू जाकर जो है जनाब मूसा की शान में गुस्ताखी कर देना, जो दिल में आए वो बोल देना, ऐसा बोलना कि वो जलील हो जाए। और जब वो माशरे में जलील कर दिए जाएंगे तो फिर वो हमसे मुंह नहीं खोलेंगे कि ज़कात निकालो। इसने अपना काम किया और औरत ने अपना काम किया और इसने ज़कात नहीं दी, दुश्मन खुदा रसूल बना। अदाब क्या आया? अदाब ये आया कि कारून मैं अपने खजानों के रोजाना, एक दो दिन नहीं, रोजाना एक कद आदम एक इंसान के बराबर मैं खजाने के रोजाना जमीन में धसाया जाता है। ये क्यों रोजाना अपने खजानों समेत जमीन में धसाया जा रहा है? इसने ज़कात नहीं दी और मासूम की शान में गुस्ताखी की और ये समझ रहा है कि हमारे माल से ये ऐश करेंगे, ये आराम करेंगे। थोड़ा सा पैसा खर्च करके उसने जो है शान रिसालत और नबूवत में मासूम की शान में गुस्ताखी करवाई। ये है कारून दुश्मन खुदा। नबी अल्लाह फरमाते हैं कि जो नमाज को जाया करता है उसका हश्र जो है कारून के साथ होने वाला है। अगर मोहब्बत खुदा रसूल हमारे दिलों में है तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि कारून के साथ उठे। अगर कारून के साथ नहीं उठना चाहते तो नमाज के पाबंद हो जाए। सलवात अल मुहम्मद नमाज अगर जाया कर रहे हैं, हम मुसलमान हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, न जाने क्या क्या है, लेकिन पैगंबर फरमा रहे हैं कि अगर नमाज जाया कर रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, जानबूझकर छोड़ रहे हो, तो तुम्हारा हश्र उसी दुश्मन खुदा के साथ है, कारून के साथ तुम्हें उठाया जाएगा। तुम्हें नबी अल्लाह के साथ नहीं उठाया जाएगा, तुम्हें ईमान के साथ नहीं उठाया जाएगा। नबी फरमा रहे हैं तुम्हें कारून के साथ उठाया जाएगा।
ये जो हम मस्जिद आ रहे हैं, बहुत दफा होता है कि हम सोचते हैं कि बस जाने में हमें सवाब है, लेकिन रसूलल्लाह ये फरमा रहे हैं कि अगर कोई नमाज के लिए मस्जिद जाता है तो हर हर कदम जो उसने उठाया है, अपने घर से निकला है मस्जिद जाने के लिए, मस्जिद तक पहुंचा है, उसके बाद मस्जिद से जब वापस हो रहा है तो जब तक घर नहीं पहुंच जाता तब तक जितने कदम उसने उठाए हैं, हर हर कदम पर अल्लाह उसे सवाब देने वाला है। अब हम जितनी दूर से मस्जिद में आ रहे हैं वो हमारे कदम पे जो है डिपेंड है कि हम कहाँ से आ रहे हैं। आना और जाना जितने कदम हो रहे हैं, नबुवत फरमा रही है, नबी फरमा रहे हैं, अगर तुम मस्जिद में नमाज के लिए आ रहे हो तो तुम्हारे हर हर कदम पर जो है अल्लाह 10-10 नेकी देने वाला है। 10-10 नेकी हर हर कदम पे अगर हम मस्जिद में नमाज के लिए आ रहे हैं, फकत 10-10 नेकी ही हर कदम पे नहीं है, बल्कि 10 नेकियों के साथ साथ 10 गुनाह भी माफ किए जा रहे हैं और इसके अलावा 10 दर्जात भी बुलंद किए जा रहे हैं। पता चला अगर हम अपने घरों से निकलकर मस्जिद में इबादत करेंगे तो आने पे भी सवाब है, यहाँ से जाने पे भी सवाब है। एक सलावत पर मोहम्मद, ये जो आप सलावत पढ़ रहे हैं इसका अज्र आपको पता है। पैगंबर फरमाते हैं जो हम पर सलावात पढ़ता है अल्लाह उस पर जो है 1000 सलावात पढ़ता है। ये फकत 1000 ही नहीं है, जो रसूल पर सलावात पढ़ता है अल्लाह उस पे 1000 सलावात पढ़ता है। फकत अल्लाह 1000 नहीं पढ़ता, 1000 मलाइका के साथ अल्लाह उस पर सलावात भेजता है। जब अल्लाह मलाइका के साथ 1000 मलाइका के साथ 1000 सलावात उस पर पढ़ता है तो जितनी खुश्क और तर चीजें हैं सब उसके लिए दुआ करती हैं। एक सलावात पर शायद 1000 को 1000 से अगर वो करें तो शायद 10 लाख बनता है। एक सलावात पढ़ने का मतलब ये है कि अल्लाह 10 लाख सलावात हमारे ऊपर पढ़ रहा है और जितनी खुशकोतर चीजें हैं वो सब जो है हमारे लिए दुआ कर रही हैं। अल्लाह फितरुस को उसने अदाब दिया था सदक़े हुसैन में, गहवारे हुसैन की वजह से उसे बालों पर मिल गया। फितरुस की एक खिदमत ये है कि जहाँ जहाँ जो जो देखे, इस साल हम ज़ियारत में नहीं जा सके, बड़ा अफसोस है, दिल रंजीदा है, आंखें रो रही हैं, गमजदा है इंसान कि हम नहीं जा सके, लेकिन ये याद रहे कि मोहब्बत जो आपके दिलों में है, जज्बा जो आपके दिलों में है, फिक्र जो आपके दिलों में है, आपकी ख्वाहिश जो थी, आपकी तमन्ना जो थी, ये आपको महरूम नहीं करेगी। फितरुस जो आज़ाद हुआ है, इसे जो बालों पर मिले हैं, इसकी एक ड्यूटी ये भी लगी है कि दुनिया भर में जहाँ पर भी मोमिनीन अगर मोहम्मद आले मोहम्मद पे सलावात भेजते हैं तो फितरुस उसकी तरफ से जो है ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ता है। ए सलावात पर मोहम्मद आले सलावात अगर पढ़ रहे हैं तो फितरुस जैसा फरिश्ता जो है हमारे लिए खबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमारी तरफ से ज़ियारत करेगा। तो रसूल उसके यहाँ यहूदी के यहाँ बैठे हैं, यहूदी कह रहा है आपने हमसे कर्जा लिया था, तारीख आ गई, आपने कर्जा नहीं दिया, लिहाजा आपको हमारे यहाँ बैठना पड़ेगा। नबी अल्लाह तैयार हैं, बैठेंगे और रसूलल्लाह उसके साथ बैठे।
जब वक्त नमाज आया, रसूल अल्लाह ने नमाज अदा की, जोहर भी, असर भी, मगरिब भी, ईशा भी नमाज रसूल। जब मुसलमानों को पता चला, सहाबा किराम को पता चला, तो बहुत नाराज हुए। ये यहूदी की मजाल की, वो हमारे नबी के साथ ऐसी हरकत करे। पहुँचे उसके घर, तुमने क्या किया? तो पैगंबर ने जो है इन मुसलमानों को और सहाबियों को रोका, कहा खबरदार कोई नाराज ना हो, कोई अपने गमों गुस्से का इजहार न करे। हमने जो मुआहदा किया था उसे पूरा किया जाएगा, और हम इसलिए नहीं भेजे गए हैं कि हम जो है लोगों पर गम और गुस्सा उतारें और लोगों को जो है बेइज्जत करें। कोई नहीं बोले। और रसूल अल्लाह ने तमाम मुसलमानों और सहाबियों को जो है खामोश करा दिया। रसूल का, अहले बैत का, इमाम मासूमीन का हर हर किरदार इलाहियत होता है। रसूल अल्लाह ने मना किया, उसने देखा। अब जब दूसरी सुबह आई तो उसने जो है पैगंबर की बारगाह में, यहूदी ने कहा कि हम मुसलमान होना चाहते हैं। का माजरा क्या है? अभी तक तुम अपने यहाँ बिठाए हो कि कर्जा हमारा चाहिए, और आज तुम ये कह रहे हो कि हम मुसलमान होना चाहते हैं, माजरा क्या है? तो उसने कहा कि हमने अपनी तौरात में ये पढ़ा था कि एक नबी आएगा जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, और रसूलल्लाह वो अल्लाह का आखिरी रसूल होगा, और मक्के में पैदा होगा और मदीने को हिजरत करेगा। वो गुस्सा नहीं करने वाला होगा, वो तेज़ आवाज़ में बात नहीं करने वाला होगा, वो किसी पे जल्दी नाराज नहीं होगा। ये हमने सिफात अपनी किताब में हमने पढ़े थे, और हमने जो है जो किताबों में पढ़ा था उसकी तस्दीक करने के लिए हमने अपने घर में आपको रखा है। कल से हम यही देख रहे हैं कि जो हमने तौरात में पढ़ा है, आया वो सिफात आप में पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। हमने जो है देख लिया कि जो जो हमने किताब में पढ़ा था वो सारे सिफात आप में पाए जाते हैं, लिहाजा मैं मुसलमान हो गया हूँ। अब मेरा जो कुछ माल है वो मैं आप पर कुर्बान कर रहा हूँ। पता ये चला कि अहले बैत का कोई भी किरदार हो वो हिदायत ही दिखलाता है, उससे हिदायत ही मिलती है, उससे नजात ही मिलती है। ये वाकया हमारे लिए भी कुछ सोचने के लिए, हमें बेदार करने के लिए ये वाकया हमें भी उभारता है। हम कौन हैं? किताबों में, हदीसों में, फ़ज़ाइलों में, आइमे मासूमीन की दबानों में शिया के तो बड़े फ़ज़ाइल पढ़े गए हैं। हदीसों में, आइमे मासूमीन की जबानों पर, मौला अली की जबान पर, इमाम की जबान पर शियों के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल पढ़े गए हैं। हमारा शिया परहेजगार होगा, हमारा शिया जो है वो सच्चा होगा, नमाज का पाबंद होगा, हराम से बचने वाला होगा, लोगों के साथ मोहब्बत करने वाला होगा। आया क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि जो किताबों में लिखा है उसी पे जिंदगी गुजारें, ताकि अगर गैर शिया शियों को किताब में पढ़े तो हमारे किरदार को देख के मुताबिकत तो कर पाए कि कैसा पढ़ा था वैसा देख रहे हैं। सलवात मोहम्मद आले ये वो याम है कि रसूलल्लाह को जाते जाते उम्मत ने बहुत अज़ियत दी, बहुत नाफरमानियाँ की, और हर एक अपने मिशन और मंसूबे में लगा हुआ। रसूलल्लाह का आखिरी वक्त है। अगर रसूल कुछ लिखना चाह रहे हैं
तो लोग रुकावट डाल रहे हैं, इन्हें नहीं देना, ये वही लिखेंगे। और बहाना ये बनाया गया कि हमारे लिए कुरान काफी है, कुरान जिसके बारे में अहले मासूमीन ने बड़ी हिदायत की, जिसके पढ़ने के लिए मासूमीन ने बड़ी ताकीद की। आज इमाम की शहादत की शब है, इमाम हसन मुश्तबा अलैहि सलातु व सलाम का तरीका कार ये था कि जब कुरान करीम पढ़ते थे और वो आयत या अय्युल्लज़ीना आमनु आती थी तो वहाँ पर रुक कर इमाम दुआ करते थे। इस तालीमाती इमाम को हमें अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की ज़रूरत है कि हम जब भी कुरान पढ़ें तो जहाँ जहाँ मोमिनीन से खिताब किया गया है, जहाँ जहाँ जन्नत की बातें हुई हैं, वहाँ वहाँ ठहर कर हमें दुआ करना चाहिए कि परवरदिगार हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे और हमें जो है जन्नत में जाने की तौफीक दे। कुरान जिसके बारे में नबी अल्लाह ने कहा लाओ लिख दे, लोगों ने कहा नहीं हमारे लिए कुरान का, पर आयम मासूमीन ने बड़ी ताकीद फरमाई, लेकिन इसे हमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। रमजान में हमने वाकया सुनाया था, बेदारी के लिए इस वक्त भी सुनाना चाहता हूँ कि हम फकत रमजान में ज़्यादा पढ़ते, बाकी दिनों में नहीं पढ़ते। पढ़ना चाहिए रमज़ान में, फसल है, बहार है, बहार कुरान है रमज़ान। एक बंदे खुदा ने एक आलिम दीन की दावत रखी अपने घर, आलिम दीन उनके यहाँ दावत पे गए और जब दावत से फारिग हो गए तो उनके बेडरूम में जाकर बैठे। वहाँ पर आलिम दीन ने देखा कि कुछ रूबिये जो है यूं ही पड़े हुए हैं। उन्होंने सोचा कि अगर ये यूं ही पड़ा रहेगा तो हो सकता है कहीं बाहर न चला जाए, किसी दूसरे का हाथ न लग जाए। उन्होंने वो रूबिया उठाया और ये समझ कर कि कुरान रोजाना पढ़ा जाता है, कुरान में उन्होंने रख दिया और साहिब खाना से इसका तस्करा नहीं हुआ। दावत खा कर जब वापस आ गए तो अब घर में वो पैसे की तलाश शुरू हुई कि बेडरूम में पैसा था। अब मियाँ बीवी जो है वो आपस में कि गया कहाँ पैसा। अब सारा मामला जो है वो शोहर पे आया कि आपके दोस्त आए थे, आप आलिम का बड़ा एहतराम करते हैं, आलिम को आप दावत पे बुलाए थे और ये कैसे आलिम निकले कि वो आकर हमारे यहाँ से ही पैसा चुरा ले गए। मामला क्लियर हो जाता है जहाँ सवाल जवाब हो जाए, पूछ लिया जाए, जाकर सवाल कर लिया जाए, मालूम कर लिया जाए। लेकिन हर इंसान डरता भी रहता है कैसे जाके पूछे हैं कहीं बुरा ना लग जाए। ये अपना दिले दिल में भूलते रहे और आलिम से दूर होते रहे। जब दूसरा रमज़ान आया और आलिम के सब अपने यहाँ दावत कर रहे थे तो ये भी अपने दिल में सोच रहे हैं कि पिछले साल बुलाया था, इन्होंने चोरी कर ली थी, अब पूरे साल रिश्ता तो हमारा इनसे ख़राब रहा, लेकिन आलिम को खिलाना तो बड़ा सवाब है, घर में आलिम आ जाए बड़ा सवाब है। भाई आलिम अगर किसी कब्रिस्तान से गुजर जाता है तो अल्लाह अदाब हटा लेता है, अगर वो घर में आ जाए हम उसे घर में बुलाएं तो कितनी रहमत व बरकत होगी। सोचते रहे, आखिर उन्होंने सोचा कि चलो बुलाते हैं, चलते हैं, मिलते हैं। उन्होंने फिर दावत दे दी और मौलाना को अपने यहाँ फिर एक साल के बाद जो है दावत पे बुलाया और जब दावत खा के चलने लगे तो कहने लगे आगा, एक साल की नाराज़गी और ये दूरियाँ और उसकी वजह अपने को पता है का नहीं, कहा आपको जब हमने बुलाया था तो हमारे बेडरूम में इतना पैसा रखा था, आपके जाने के बाद वो पैसा मिला नहीं, हमारी जौजा को ये शक है कि वो आपने चुराया है।
अब आलिम रोने लगे, अब ये बेचारा और परेशान हो गया कि हमने लगता है इन्हें चोर कह दिया, तो इस बिना पे नाराज हो गए। तो इन्होंने कहा कि मौलाना रो क्यों रहे हैं? कहा हाँ, तुम हमें चोर कहो चाहे जो कहो, हमें इस पे रोना नहीं आ रहा है, बल्कि हम रो इसलिए रहे हैं कि तुम्हारा पैसा हमने उठाकर इस जगह रखा था और इस चक्कर में रखा था, इस फिक्र में थे कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारे यहाँ रोजाना कुरान पढ़ा जाता होगा, कुरान से महफूज कोई जगह हमें नजर ना आई जहाँ हम पैसा रखते, हमने इसी में रखा था कि जब तुम रोजाना कुरान पढ़ते होगे, कुरान खोलोगे तो तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। लेकिन रोना इस बात पे आ रहा है, एक साल गुजर गया कुरान खोल कर देखा नहीं गया। ये कुरान बरकतों के लिए हम अपने घरों में रखे हैं, रखना बरकत है, लेकिन पढ़ना उससे ज्यादा बरकत है, समझना उससे ज्यादा बरकत है, उस पर अमल करना उससे ज्यादा बरकत है। ये बरकत हमारी समझ में आ जाए, हमें उतना ही समझना है जितना हम चाहते हैं, हमें उतना नहीं समझना है जितना आइम्मे मासूमीन चाहते हैं, जितना खुदा रसूल चाहता है उतना हमें नहीं समझना है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, कुरान से वाबस्ता रहिए, अहले बैत से वाबस्ता रहिए। रसूल का आखिरी दौर है, ये आखिरी अय्याम है। लोगों ने बहुत सताया है, बड़ी तकलीफें पहुंचाई, बहुत अजियत दी, बल्कि ये सिलसिला तो जारी था। ये आप सुनते रहती है ना कि कांटों में चलाए गए, कूड़े डाले गए, नाज़ेवा कलमात अदा किए गए, ये सब तो तकलीफ दे थे ही। वो लोग ये काम तो गैरों ने किया है, लेकिन वो जो कलमा पढ़कर करीब हुए हैं उन लोगों ने भी कम नहीं सताया है, और इनका सताना जो है रसूल के दिल पर और ज्यादा गुजरता है। सुलह हुदैबिया 6 हिजरी में गालिबन ये हुई, ये सुना रसूल अपने साहबियों के साथ हज करने जा रहे हैं, मक्के वाले बोल रहे हैं कि अगर रसूल अल्लाह मक्के में आ गए तो अरब हमारे ऊपर खूब मलामत करेंगे, लिहाजा हमारी गैरत ये नहीं चाहती कि रसूल अल्लाह को मक्के में दाखिल होने दिया जाए, और रसूल अल्लाह को हम लोग मक्के में दाखिल नहीं होने देंगे, अगर ये आ गए तो अरब वाले जो है हम पे खूब लानत और मलामत करेंगे। लानत और मलामत से बचने के लिए इन लोगों ने रसूल को और उनके असहाब को मक्के में दाखिल नहीं होने दे रहे, और ये कह रहे हैं कि आपको हज नहीं करने देंगे। और उसके बाद जो है सुलह हुदैबिया यानी सुलह के पेपर लिखे गए और 10 साल का मुआहदा हुआ, और कहा कि इस साल तो हम आपको हज नहीं करने देंगे, अगले साल आप आइएगा। रसूल अल्लाह का इखलाक करीमाना ये था कि रसूल हर बात मानते गए। उन्होंने कहा कि अगर जो मुआहदा लिखा जा रहा है इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं रहेगा, तो रसूल अल्लाह ने कहा चलो हटा दो, हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि इसमें मोहम्मद रसूल अल्लाह नहीं लिखा जाएगा जिनके साथ मुआहदा हो रहा है, इसमें ये लिखा जाएगा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के साथ मुआहदा हो रहा है। रसूल अल्लाह ने कहा कि रसूल अल्लाह को हटा दो, काट दो। रसूल अल्लाह का इखलाक करीमाना था, रसूल के हर किरदार में, हर फेल में, हर अमल में राह हिदायत होती है, लेकिन रसूल फरमा रहे हैं कि मुआहदे को अगर ये कह रहे हैं बिस्मिल्लाह हटा दो, तो कहा हटा दो, कहा रसूल अल्लाह का नाम काट दो, कहा काट दिया जाए। 10 साल के लिए मुआहदा हुआ, और ये मुआहदा जब हो गया तो वो लोग जो रसूल अल्लाह के साथ थे, देखिए कुछ लोग वो हैं जो तारीख में बड़े बहादुर लिखे गए हैं, फकत तारीख में लिखे गए हैं, अमल कहीं नहीं है। इस सुलह हुदैबिया में भी रसूल अल्लाह ने इनसे कहा जाओ, तो इन्होंने कहा कि अगर हम जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा,
मार डाले जाएंगे, लिहाजा हम नहीं जा सकते। जो रसूल अल्लाह के कहने के मुताबिक वहां जाने के लिए तैयार नहीं थे, वही सुलह हुदैबिया पे बढ़ चढ़ के इतराज कर रहे हैं और रसूल अल्लाह के सामने कह रहे हैं जैसा शक मुझे आज हुआ है पूरी जिंदगी ऐसा हमेशा कभी नहीं हुआ। ये रसूल को अज़ियत देने वाले हर मार्के में पीछे हैं, मैदान अमल में पीछे हैं, दावत अमल में पीछे हैं, खंडक में नबी के साथ हैं, लेकिन अमर इब्ने अब्दवत की तारीफ हो रही है, लश्कर को कमजोर किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने रसूल अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई। लोगों को अगर सुलह हुदैबिया और सुलह इमाम हसन समझ में आ जाए तो कभी भी मासूम की शान में गुस्ताखी नहीं होगी। जैसे सुलह हुदैबिया के मौके पे लोगों ने नबी की शान में गुस्ताखी की है, ये जैसा आज हमें आपकी रसालत पे शक हुआ है, आपकी नबूवत पे शक हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने ये क्या किया? ऐसे ही मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सामने उनके चाहने वालों ने भी सुलह हसन के बाद जो है आकर कहा कि आपने मोमिनों को जलील कर दिया है, जबकि दोनों सुलह इस बात को वादे कर रही है कि अगर नाना ने सुलह हुदैबिया किया है तो वहाँ भी अबू सुफियान के चेहरे से नकाब उतारी है, और अगर इमाम हसन ने सुलह इमाम हसन किया है तो वहाँ पे भी उसके चेहरे से नकाब उतारी है। दोनों ने मुआहदे किए थे, न बाप ने मुआहदे पूरे किए हैं न औलाद ने मुआहदे पूरे किए हैं। यहाँ रसूल अल्लाह बतलाना चाहते थे कि इनसे जो ये लिखवाना चाहें लिख दो, लेकिन आने वाली तारीख देखेगी कि मुआहदे की पामाली कौन करता है, वादे की मुखालफत कौन करता है। चुनांचे इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जब सुलह किया तो उसमें वो बातें लिखी गई कि ये काम होगा और ये काम नहीं होगा। उनमें से एक काम ये था कि जो मिंबरों से मौला अली की शान में गुस्ताखियाँ की जाती थीं, इमाम ने लिखवाया था ये नहीं होगा, लेकिन जालिमों ने जो है माहदे के पामाल किया गया और ये सिलसिला जारी होता गया। तो अज़ीज़ाने गिरामी, मासूम का किरदार हमेशा हिदायत देता है। सुलह हुदैबिया है तो वहाँ पर भी बतलाएगा कि बातिल के चेहरे पे जो पड़ी हुई निकाब है उसे हम उतारेंगे और तुम्हें एक दिन दिखाएंगे कि इनकी हकीकत क्या है। ये अमल करने वाले कितने हैं, ये साथ तो रहते हैं लेकिन जब दावत अमल की मंजिल आती है तो यही एतराज़ करते हैं। और फिर वो ज़माना आया कि इधर रसूल अल्लाह की रहलत वाके हुई और लोगों ने जो है बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लिया और एक दूसरे के मददगार रहे और अहले बैत को तन्हा कर दिया। इतनी तन्हाई हुई कि नबी का भी जनाजा भी दफन न हुआ था कि लोगों ने अली के हकूक को जो है वो पामाल कर दिया, अहले बैत को जो है वो छोड़ दिया और नबी के बाद वो जुल्म सितम हुए कि वो दरवाज़ा भी जला दिया गया, वो बेटी को भी रोने नहीं दिया गया और मौला अली के गले में रस्सियों का फंदा डाल दिया गया। जिस दरवाजे पे रसूल आकर सलाम करते थे उस दरवाजे को आग लगा दी गई है, फिदक को जो है गसब कर लिया गया है, अदादारो शहजादी आई है दरबार में आई हैं, खड़े खड़े खुतबा दे रही हैं, जालिमों ने बैठने के लिए भी नहीं कहा। ये वही तो दरबार है कि अगर बेटी आती थी तो नबी खड़े हो जाया करते। आज यही दरबार का ये आलम बदल गया है कि नबी की बेटी खड़ी है अपना हक मांग रही है, इसका हक देना चाहिए था, इसी से गवाह मांगे जा रहे हैं। जब बीवी गवाह दे रही है तो कहा जा रहा है ये तो तुम्हारे करीबी हैं, ये तुम्हारी औलाद है, ये तुम्हारे ही इंसाफ देंगे,
अदादारों सैयदा ने जो है दरबार में खुतबा दिया है और अपने हक का मुतालबा किया है, और ये मुतालबे का असर ये हुआ कि जालिमों की दुश्मनियाँ निकल आईं, दरे दहरा जला दिया गया, अली के गले में रस्सियाँ डाल दी गईं और मोहसिन की शहादत हो गई। ये दुश्मनियाँ बढ़ती रहीं। अदादारों फजाइल तो सब जानते थे, फजीलत सब मानते थे, लेकिन जो अमल की जिम्मेदारी थी अहले बैत से इजहार मोहब्बत करना था, अहले बैत का साथ देना था, अहले बैत के रास्ते में चलना था, अमल से दूरी इतना ले गई कि उसी दरवाजे को जला दिया गया। अदादारों वो मौका भी आया है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जौजा को जो है जालिमों ने ऑफर दिए हैं, तुम्हें इतने दिरहम दिए जाएंगे, तुम्हारी शादी अपने बेटे से की जाएगी और तुम्हें ये काम करना है कि इमाम हसन को जहर देना है। लो अदादारो, इस औरत ने लालच के बिना पर जो है अपने बेहतरीन शौहर को जो है लालच के बिना पर जहर दे दिया। ये इस फिक्र में है कि दिरहम दीनार मिल जाएगा, ये इस फिक्र में है कि अली से शादी मिल जाएगी, ये इस फिक्र में है कि हमें ये मिल जाएगा। उसने इमाम को जहर दे दिया। अदादारों, जहर का वो असर हुआ कि हसन मुस्तफा के जिगर के टुकड़े गिर रहे हैं। अदादारों, ये मदीना है, जैनब मदीने में भी है, जैनब करबला में भी है, जैनब ने हसन मुस्तफा को भी देखा है, जैनब ने हुसैन शहीद में करबला को भी देखा है। अदादारों, जैनब के दिल से पूछो, जिसे उम्मुल मसायब कहा जाता है, जिसने बचपने से मसायब देखे हो, उसने आज मदीने में तश्त में अपने भाई के जिगर के टुकड़े देखे, करबला के मैदान में भाई के लाश के टुकड़े देखे। ए अदादारो, जैनब ने इस मंजर को देखा है, जैनब को ने इस मंजर को देखा। अदादारो, इमाम की शहादत वाकई हो गई, गुस्ल व कफन दिया गया, जनाजा तैयार है। अदादारो, मौला की वसीयत थी कि मुझे नाना के पहलू में दफन किया जाए, अगर जालिमीन हमें दफन ना होने दें तो हमें बगी में दफन किया जाए। लोग गुस्ल व कफन हो चुका, ये जनाजा इमाम हसन उठा। ए अदादारो, कायनात का ये पहला जनाजा जो घर से तो बड़ी शान से निकला, लेकिन जालिमों ने नबी के पहलू में दफन न होने दिया। अरे, इसी जनाजे पे तीरों की बारिश हो गई। अदादारों, ये मदीना है जहाँ जनाजे पे तीरों की बारिशें हैं, और करबला में हुसैन के लाश पे तीरों की बारिशें हैं। हसन के जनाजे पे तीर है, हुसैन के लाश पे तीर है। अदादारो, ये जनाजा वापस लाया गया, बहन ने अपने भाई के जनाजे से जो है तीरों को निकाला। ए जैनब, आपको आपके भाई का पुरसा कि ये मदीने में जनाजे हसन से तीर निकालना पड़ा, और करबला के मैदान में हुसैन के जिस्म को तीरों पे देखना पड़ा। अल्लाह लानतुल्लाह अल कौमिल काफिरीन व सयालम अल्लज़ीना ज़लमू यमन खलफ यज़करून।